तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, या इसे हम सिंपल सिटी में बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग थ्रू सी। प्रोग्रामिंग थ्रू सी इज अ लैंग्वेज, और क्या लैंग्वेज क्या होती है, वो चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, मोस्टली टू द न्यू बीज, जो नए हैं, जिनने इससे पहले चाहे प्लस टू में उनका कंप्यूटर साइंस नहीं था, या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं था, या जिनको ज्यादा इस चीज के बारे में पता भी नहीं, नो इश्यूज, जस्ट मेक श्योर कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, और देयर आर सम रिकमेंडेशन, सम बुक्स जो मैं आपको दूंगा, जिनसे आपको ज्यादा बेटर फील होगा इंशाल्लाह। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द क्लास, अगर आपको कुछ चीजें जैसे बर्डन लगे, कुछ चीजें लगे, ये समझ नहीं आ रही है, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि ये पहली जो क्लास है, ये आपको दो तीन और टॉप सब्जेक्ट्स में भी, जैसे फंडामेंटल, उसमें भी ये कवर हो जाएंगी, और ये बार बार आपको सामने आपके आती जाएंगी। तो ये पहले पहले मैं इनका आपको थोड़ा ग्लिम्प्स दूंगा, विल गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द बेसिक टॉप जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद धीरे धीरे हम इन डेप्थ इसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रोग्रामिंग थ्रू सी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ मैंने आपको बोला कि जो सी है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, तो व्हाट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो क्या होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, की क्या होती है, हम आपस में तो हमें पता है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, या किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं, जो भी हमारी हम आपस में नोन लैंग्वेज हो। ठीक है, तो उन दोनों, उनमें से हम आपस में बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसे बोलते हैं, इज अ फॉर्मल लैंग्वेज कंप्राइजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, एक फॉर्मल लैंग्वेज की तरह जैसे हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट फाइनाइट होता है, मैंने कल भी आपको बोला, अगर कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। तो आप ऐसे समझे, जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके पास हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो जो इंस्ट्रक्शंस है वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है, जैसे कि हमारे पास उसमें अल्फाबेट से इंग्लिश में, वहां पे हमें, हमारे पास एक ग्रामर है, वी हैव अ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये चीजें हमारे पास है। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान कुछ नहीं है, हमारे पास तीन चीजें हैं, तो जो भी जितने भी हमारे रूल्स हैं इंस्ट्रक्शन के, वो फाइनाइट है। ऐसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है होती है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी जिससे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को क्या करना है, तो वो भी एक लैंग्वेज ही होती है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कुछ आउटपुट हमें देते हैं, बाय आउटपुट वी मीन रिजल्ट्स हमें देते हैं, हमने यहाँ से इसे कुछ बोला, उसको कहते हैं इनपुट देना, और वहां से जब हमें कोई आउटपुट मिलता है, वहां रिजल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। जैसे आपको एक व्हाट्सएप पे एक पिक्चर फॉरवर्ड करनी है, तो पिक्चर आपको, आपने व्हाट्सएप को इनपुट दे दिया, तो जो फॉरवर्ड हो गई, जिसको मिला, उसको वो आउटपुट हो गया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दिस दैट अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर, यानी एक तरीका है कैसे हम बातचीत करें, कम्युनिकेट करें विद अ कंप्यूटर। ठीक है, सच लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर कोड और प्रोग्राम कोड, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर्मिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जो भी लैंग्वेज होती है, या इसको प्रोग्राम लैंग्वेज बोलते हैं, ये किस काम आती है हमें। ठीक है, इनसे क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, इनसे क्या काम लेते हैं, हम इनसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक कुछ हम लाइंस लिखते हैं, चाहे 5, 10, 100, 1000, 10,000, 10,00,000 भी, जितना बड़ा हमारा सॉफ्टवेयर होगा उतनी ज्यादा हमारी लाइंस बढ़ जाएगी। तो जो हम ये लाइंस लिखते हैं उनको हम कोड बोलते हैं, उनको प्रोग्राम कोड बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हम, और जो पूरा वो बन जाता है, सपोज हमने एक 10 लाइन्स का कोड लिखा, तो वो उस पूरे 10 लाइन्स को हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो वो जब बन जाता है तो वो कोई ना कोई काम हमारे लिए करता है। ठीक है, सो क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज, मैं फिर से बता देता हूं, कंप्यूटर की लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शंस होती है, यानी इनपुट्स होते हैं, हम इसको बोलते हैं कि कोई काम करना है, हम किसी खास तरीके से इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं हम इसको बोलते हैं हेलो माय कंप्यूटर प्लीज सेंड अ मेल टू दैट पर्सन,
ऑल्दो आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं, आजकल हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स है, जो हम बोलते हैं सिरी है या गूगल के पास है या माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्टाना है, देयर आर सो मेनी अदर यू विल नो अबाउट दिस थिंग, बट उस चीज को बनाने के लिए भी पीछे हम कोई ना कोई कोड लिखते हैं, हम कुछ लाइनेस लिखते हैं, ठीक है, फिर उन लाइन्स को कोड बोलते हैं। वो लाइन जब हम लिखते हैं वो खास तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ नहीं रहा रैंडम में लिखा, रैंडम में हम नहीं लिखते हैं, वी हैव अ वेल डिफाइंड तरीका, हमारे पास एक बहुत ही खास तरीका होता है लिखने का। जब हम वो लिखते हैं फिर उस प्रोग्राम को हम कुछ और भी काम उसके साथ, उस लाइन्स के साथ हम कुछ और भी काम करना होता है, उसको कंपाइल बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे, फिर वो एक प्रोग्राम बन जाता है। फिर जब हम वो प्रोग्राम चलाते हैं उसको रन करना बोलता है, जैसे आप अपना एक यूट्यूब ऑन करते हो, अब जब आपने यूट्यूब ऑन किया इसका मतलब आपने यूट्यूब का प्रोग्राम रन किया, ठीक है। तो फिर जब हम लिखते हैं कोई कोड वो प्रोग्राम बन जाता है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं, फिर जब रन करता है रन होता है हमारा प्रोग्राम, तो उसके बाद वो हमारे कुछ काम करता है, ठीक है। तो दिस ऑल थिंग इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, सिंपल सिटी में जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप ज्वाइन कीजिए क्लास, तो आप ज्वाइन करते हैं। अगर अगर मैं सपोज फ्रेंच बोलता हूँगा तो आपको पता समझ नहीं आती होगी फ्रेंच, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर के साथ अगर हमें कंप्यूटर के कुछ काम लेना है, इसे काम लेना है कुछ, तो हमें एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी समझ आए और मुझे भी समझ। ओके देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की कुछ टाइप्स होती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या टाइप होती है। वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, तो एक को बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, वी विल डिस्कस दिस क्या होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड द सेकेंड इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, सो वी हैव मशीन लेवल लैंग्वेज, वी हैव असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। सो देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हम करें तो उनको हम बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम सीखेंगे सी के बारे में, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अवेलेबिलिटीज है, वी हैव एन नंबर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। और मुझे लगता है आजकल तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास, ठीक है, नई नई भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उनको सभी उन लैंग्वेज को हम तीन कैटेगरीज में, थ्री कैटेगरीज में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज हमने बोला कि पहला जो तरीका है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज। अब जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, असल में ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है। अगर आप खोल के भी देखो, अपना मोबाइल खोल के देखोगे, आपने कभी लैपटॉप खोला होगा या डेस्कटॉप आपके पास होगा या आपने कहीं देखा होगा, वो खोल के अंदर से क्या होता है, बहुत सारी वायरस होती है, कुछ वायरस लगी होती है, यहाँ से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, या बैटरी पे होता है, बैटरी पे ऑब्वियसली वो चार्ज ही होता है, बैटरी पे भी करंट ही निकलता है। आप देखोगे अंदर से, या मोबाइल भी आपने कभी खोल के देखा होगा, अंदर से क्या होता है, खाली वो वायरस, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, बहुत सारी वायरस होती है। तो अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या समझता है, असल में अंदर से ये कुछ नहीं समझता, ये बस समझता है करंट को या वोल्टेज को, हम बोलेंगे या तो वोल्टेज होगी या तो वोल्टेज नहीं होगी, या जिसे हम एक और जुबान में ऐसे बोलते हैं, आप आगे आगे इसको एडवांस लेवल पे जब देखोगे इंशाल्लाह, आप देखोगे कि या तो वोल्टेज कम होती है या तो वोल्टेज ज्यादा होती है, ठीक है। एक तो स्टेट होता है कि आपका जो मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है ये बंद है, तो इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज है नहीं, ठीक है, यानी इसमें कोई करंट है नहीं। एक वो तरीका होता है जब आपने इसको दिया होता है, तो जब हम इसको देते हैं तो हम इसको, देर आर वेज, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, वो कैसे करते हैं वो आप एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह देखोगे कि क्या होता है हाई वोल्टेज, क्या होता है लो वोल्टेज, या जो फिजिक्स से है, जो
रिलेट, जिनने फिजिक्स पढ़ा उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डिजिटल के बारे में, वो यहाँ पे इस इंशाल्लाह इस जो आपका ये कोर्स है, ओवरऑल कोर्स डिग्री है, इसमें आप उस बारे में और ज्यादा जानोगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये क्या समझेगा, सिर्फ वोल्टेज ही को समझेगा, या तो वोल्टेज है या तो वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वोल्टेज को जीरो और वन। तो जीरो क्या होता है, जीरो इज वोल्टेज प्रेजेंट या एब्सेंट, ठीक है। एंड देन वी हैव वन, वन इज वोल्टेज प्रेजेंट और एब्सेंट। अब मैंने यहाँ पे जीरो को प्रेजेंट दिखाया है, वन को एब्सेंट दिखाया है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। ये जब कोई जो कंप्यूटर बनाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो जीरो को वन रख सकती है और वन को सपोज जीरो को वोल्टेज एब्सेंट रख सकती है और वन को वोल्टेज प्रेजेंट रख सकती है। मैंने यहाँ पे बस दिखाया कि जीरो इज वोल्टेज प्रेजेंट एंड वन इज वोल्टेज एब्सेंट। तो बस ये, क्योंकि मैंने अब अगर हम किसी कोई बोले कि कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है, अपनी उसकी क्या लैंग्वेज है, जैसे हमारी अपनी कश्मीरी लैंग्वेज है, लेकिन हम उर्दू भी समझते हैं, हम जो है ये क्या बोलते इसको, इंग्लिश भी समझते हैं, ठीक है ना, या कोई और अरबिक, फारसी या कोई और लैंग्वेज भी हम जो हम सीखें तो हम बोल सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारी एक लैंग्वेज है जो हमारी, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं, वो हमारी है कश्मीरी। इसी तरह कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज जो है, मदर टंग, या हम इसको अगर ऐसे बोले तो वो उसकी जो अपनी लैंग्वेज है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या समझता है, वो सिर्फ वोल्टेज को समझता है। और वोल्टेज को हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन से। हम बोलते हैं अगर जीरो है इसका मतलब वोल्टेज प्रेजेंट है, अगर हम अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई, जीरो वोल्टेज प्रेजेंट है, वन वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, या इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, जैसे जीरो वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है और वन वोल्टेज प्रेजेंट है, तो वी कैन यूज इट इंटरचेंजेबली, इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर करता है वो कैसे लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अब ये सिंपल है कि मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर एक्चुअली खुद से समझता है। तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो एक्चुअली क्या समझेगा, खाली वो वोल्टेज को ही समझेगा, या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है। तो अगर उसके पास प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज है तो वी कॉल दैट जीरो और वी कॉल दैट वन, हियर इन आवर एग्जांपल वी कॉल दैट जीरो अगर वोल्टेज है, अगर वोल्टेज नहीं है तो वी कॉल दैट वन। इन अदर वर्ड्स आप जब इसको एडवांस लेवल पे देखोगे, या अगर आप कोई बुक्स पे पढ़ा होगा या देखोगे, तो आप इसको देखोगे कि हायर एंड लो वोल्टेज, सपोज वन इज हाई वोल्टेज एंड जीरो इज लो वोल्टेज, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इनफैक्ट दैट इज एक्चुअली द ट्रू, बट दैट इज फॉर द हायर, जब आप इसको थोड़े से हायर लेवल पे जाओगे आगे वाले सेमेस्टर्स में, तो आप वो ज्यादा अच्छे से वहां पे समझोगे। देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड एज असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज का मैंने बोला कि वो तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, तो वो तो खाली समझता, अगर हम कोई बोले कि ऐसे ही ओके कंप्यूटर क्या समझता है, हम बोलेंगे कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है, इसको और कोई पता नहीं, ठीक है। बट वी हैव अनदर टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड एज असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या हम करते हैं, इसमें हम जीरो और वन नहीं बोलते हैं, इसमें हम कोई निमोनिक्स या सिंबल्स बोलते हैं। सपोज हमें दो चीजों का ऐड करना है, ए और बी का ऐड करना है, तो हम बोलेंगे ऐड ए बी या ऐड बी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाई है, हम वैल्यूज ए और बी को हमें ऐड करना है, वी हैव ए एंड वी हैव बी। अगर हमें ए और बी को ऐड करना है, वी हैव ए हियर एंड वी हैव बी हियर। अगर हमें इनको ऐड करना है, अगर हमें सपोज यही ए और बी का ऐड करना मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखना होता, तो हम सपोज कुछ ऐसा लिखते हैं, वन 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 जीरो 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 वन 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 वन। ये तो था मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज जीरो और वन में है, हमारा कंप्यूटर एक्चुअल में जीरो और वन ही समझता। लेकिन उसके बाद ये सेकंड लेवल पे आई, पहले जो कंप्यूटर थे वो यही समझते थे खाली मशीन लेवल लैंग्वेज, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाई। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या उन्होंने किया, उन्होंने कुछ सिंबल्स ऐड किए, जैसे यहाँ पर इन्होंने सिंबल एक ऐड किया ऐड, अगर इनको दो नंबर्स का ऐड करना होता था तो वो लिखते थे ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा ऐड बी, इसका मतलब हमारे पास पहले से ही है ए, उसके साथ ऐड करो बी, तो ये थोड़ा सा ईजी हुआ। देखो आप वन वन जीरो जीरो याद रखने से ईजी है ऐड बी याद रखना,
ठीक है, तो दिस इज मच इजियर, दिस मच इजियर देन द मशीन लेवल लैंग्वेज. तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज से ईजी है, दैट इज मच इजियर देन द मशीन लेवल लैंग्वेज. मगर अब इसमें क्या इशू है कि एक्चुअली इस कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज ही है. तो इसका मतलब अगर हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोई चीज लिखते हैं देन वी हैव टू एक्चुअली ट्रांसफर दैट, वी हैव टू एक्चुअली ट्रांसफर दैट इन टू द मशीन लेवल लैंग्वेज. ठीक है, इन चीजों के बारे में आगे हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें इनके बारे में सीखने. अभी हम याद रखेंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज इज जीरोस एंड वन्स एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, जैसे ऐड होता है, सब होता है, सब का मतलब सबट्रैक्ट, मल होता है, मल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड सो एंड सो. Then we have high level language. अब आप देखो दोनों जो लैंग्वेज थी मशीन लेवल लैंग्वेज काफी जो है जीरो और वन में याद रखना पड़ेगा. कितना इंसान जीरो और वन में याद रखेगा? सपोज आपको मशीन को बोलना है कि प्रिंट करो कोई चीज, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, ये जीरो और वन में लिखना है, उसको पड़ेगा सारा प्रिंट करो प्रिंट करो प्रिंट करो. अगर आपको अभी कॉल करनी है आप सीधे कॉल डायल करोगे. अगर आपको सपोज कॉल करने के लिए अपने मोबाइल को बोलना पड़ेगा जीरो और वन में, आपको एक लिस्ट या अपने जेब में रखनी पड़ेगी कि कॉल करने के लिए मुझे जीरो और वन कौन कौन से जीरो और वन दबाने हैं, तो वो तो बहुत सारा लंबा एक क्रॉस चला जाता. ठीक है, तो उसके बाद जो है असेंबली लैंग्वेज आई, थोड़ी सी आसानी होगी, आसानी इन द सेंस होगी कि हमें थोड़े थोड़े सिंबल्स आ गए, छोटे छोटे सिंबल्स आ गए. ठीक है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी मुश्किल ही थी थोड़ी. ठीक है, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने बोला नहीं, हम क्योंकि क्योंकि ये पहले यूएस बेस्ड में आई, यूरोपियन या हम बोलेंगे यहाँ अमेरिकन वहां पे थी पहले, तो उनने क्या किया, उन्होंने बोला कि वहां पे वो इंग्लिश में बात करते, उन्होंने बोला क्यों ना हम इंग्लिश थोड़ा सा इसमें ऐड करें, हम प्रोग्राम लिखे, हम कोई कोड लिखे सिस्टम को, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो एक सॉफ्टवेयर में होना, वो एक इंग्लिश टाइप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उसमें हम यूज करेंगे. ठीक है, तो उसी को हमने बोला फिर हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाई लेवल सोर्स कोड कंटेनर इजी टू रीड सिंटैक्स. अब हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो इनने क्या बोलने बोला, नहीं ये प्रोग्रामिंग जो करनी है हमें, जो काम लेना है कंप्यूटर से, ये तो थोड़ा मुश्किल हुआ, पहले हमें मशीन लेवल लैंग्वेज जीरो और वन याद रखने पड़ते थे, उसके बाद कुछ सिम्बॉलिक्स है लेकिन सिम्बॉलिक्स भी थोड़े मुश्किल ही है. उन्होंने बोला क्यों ना हम थोड़े इंग्लिश टाइप इंग्लिश सेंटेंसेस, थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस उसमें ऐड करें. सपोज ऐसे मैं बोलूंगा, अगर मैं ऐसे बोल पाता हूँ अपने कंप्यूटर को, लिखूंगा प्रिंट माई डॉक्यूमेंट, तो अगर इसने ये समझा कि ये समझ आया कि प्रिंट माई डॉक्यूमेंट, तो ये एक इशू है, तो ये एक सिंपलसिटी है ज्यादातर कि जीरो और जीरो वन लिखने से. ठीक है, तो इनने ऐसे ऐसे कुछ चीजें हाई लेवल लैंग्वेज जो नई नई लैंग्वेज आई, इनने इसमें थोड़े से सिंपल इंग्लिश इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस यूज किए. ठीक है, तो ये था हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, इजी सिंटेक्स उसमें था, सिंपलसिटी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम, जब पहले पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई या मशीन लेवल लैंग्वेज, तो ज्यादा लोगों को यूज करना नहीं आता था सिस्टम, या प्रोग्राम करना नहीं आता था. उसके बाद मशीन लेवल असेंबली आई तो थोड़े और ऐड हो गए, जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो बहुत सारे लोगों को ईजी हुआ कि वो प्रोग्राम लिख सके. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती, यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर सेंटेंस, तो इंग्लिश जैसे, फुल इंग्लिश भी नहीं लेकिन तो समहाउ इंग्लिश ही था इसमें, ज्यादातर जैसे इफ है एल्स है, जैसे हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं आजकल प्रोग्राम आप देखोगे इंशाल्लाह, हम बोलते हैं इफ दिस देन दैट, तो ऐसे क्योंकि इफ दिस देन दैट, तो ये तो चीजें इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लाइक चीजें दिन ब दिन आती गई और एड होती गई. ठीक है, तो ये था आज का बेसिक्स अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसमें हम क्या चीजें करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हमें ऐड होती है, ये जो चीजें हैं ये आगे हमें और भी पढ़नी है, और भी बहुत सारी जगह पे आ जाएगी ये चीजें. ये तो आज इसका इंट्रोडक्शन ही था. ठीक है.